हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम, लर्न एग्रीकल्चर विद मी। फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन बैंक पार्ट 8। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन बैंक के 7 पार्ट बना लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन बैंक के पार्ट देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ पास में आए बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक अटेंड कर सको। चलिए आज के पशुपालन क्वेश्चन बैंक का पहला क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन कि पशुओं के आंख व गर्भाशय धोने के लिए कितने प्रतिशत फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रतिशत फिटकरी का प्रयोग किया जाता है पशुओं के आंख व गर्भाशय धोने के लिए, ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दिए हैं 1-2%, 1-3%, 2-5% और 5-7%। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीडियंस और क्विज नंबर 1 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है, यानी कि 1-2% उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर, दलदली भैंस यानी कि स्वैम्प बफेलो जिसका सिंसेरिया जीनस है, ये मुख्यतः प्रयोग की जाती है किसके पर्पस से, दूध के लिए, सवारी के लिए या फिर ए व बी दोनों या भार वाहन के लिए। तो कमेंट करके बताइए क्विज 2 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीडियंस और क्विज नंबर 2 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है, यानी कि भार वाहन के लिए, उन सभी का आंसर राइट है। दलदली भैंस यानी कि स्वयं बफेलो सिंसेरिया जीनस, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है भार वाहन के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर, गौ पशु में गलगोटू रोग के लिए प्रथम टीकाकरण किस उम्र पर लगाना चाहिए। और ऑप्शन में दिए 4-9 सप्ताह, 8-10 सप्ताह, 4-6 सप्ताह या फिर 8-10 सप्ताह, ये रिपीट हुआ है। ठीक है, 8-15 सप्ताह ले लीजिए उसे। तो चलिए बतलाइए क्विज 3 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। टाइम ऑफ होता है एग्रीडियंस और क्विज नंबर 3 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है, यानी कि 4-6 सप्ताह, उन सभी का आंसर राइट है। गौ पशु में गलगोटू रोग के लिए प्रथम टीकाकरण हम 4-6 सप्ताह में देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर, गायों में कृत्रिम गर्भाधान के समय वीर्य जमा हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थान इन ऑप्शनों में से कौन सा है। और ऑप्शन में दिए हैं मध्य गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा छिद्र, गर्भाशय भ्रंग श्रंग है सॉरी, और डी में दिया है योनि। तो बतलाइए क्विज 4 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर एग्रीडियंस। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीडियंस और क्विज नंबर 4 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया, यानी कि मध्य गर्भाशय ग्रीवा, उन सभी का आंसर राइट है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वीर्य जमाव हेतु। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर, किस मांस में मायोग्लोबिन की मात्रा सर्वाधिक होती है, पोर्क, बीफ, चिकन या फिर खरगोश के मांस में। तो बतलाइए मायोग्लोबिन की मात्रा सर्वाधिक किस मांस में पाई जाती है। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस और क्विज नंबर 5 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है, खरगोश का मांस, उन सभी का आंसर राइट है। मायोग्लोबिन की मात्रा सर्वाधिक खरगोश के मांस में पाई जाती है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपके स्क्रीन पर, गंधक का तेजाब H2SO4 का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? गंधक के तेजाब का पूछा जा रहा है और ऑप्शन में दिए हैं 0.81, 1.825, 1.735 या फिर 1.032। तो बतलाइए अपेक्षित घनत्व कितना होता है गंधक के तेजाब का। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 6 का यहाँ पे जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि 1.825, उन सभी का आंसर राइट है। गंधक के तेजाब का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो ऑप्शन बी 1.825 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? सेपरेटा दूध का पूछा जा रहा है और ऑप्शन में यहाँ पे दिए 1.046, 1.034, 1.028, 1.037। तो बतलाइए सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है जी। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 7 का यहाँ पे जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि 1.037, उन सभी का आंसर राइट है। सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व 1.037 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि निम्न में से अमेरिकन मुर्गी की नस्ल है और ऑप्शन में दिए कोचिन, रेड कैप, बाइन कोड और एनकोना। तो बतलाइए अमेरिकन मुर्गी की नस्ल इन ऑप्शनों में से कौन सा है। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 8 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि वाइन गोट, उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तरी हिमालय में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल इन ऑप्शनों में से कौन सा है और ऑप्शन में दे रखे हैं कराकुल, गुरेन, गच्छी और मेरिनो। तो बतलाइए उत्तरी हिमालय में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल इन ऑप्शनों में से कौन सा है। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 9 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि गुरेन, उन सभी का आंसर राइट है। उत्तरी हिमालय में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल गुरेन होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि भैंस से कृत्रिम गर्भाशय द्वारा विश्व का पहला बच्चा कब प्राप्त किया गया था। ऑप्शन देखिए, अगस्त 1943, अक्टूबर 1944, मार्च 1945 या फिर जनवरी 1946। तो बतलाइए क्विज 10 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 10 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि अगस्त 1943, उन सभी का आंसर राइट है। भैंस से कृत्रिम गर्भाशय द्वारा विश्व का पहला बच्चा सर्वप्रथम अगस्त 1943 में प्राप्त किया गया था। सो डियर एग्रियंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।